थाने दे चक्कर कट रहे ना मां पुत्तां दे घर नूं नौ ते सौरे दे इश्क ने बर्बाद कर दिता है। जी हां, इह सच है कि इसे घर दी नूं अते उसदा सौरा दोनों ही फरार ने ते भज के कोर्ट मैरिज तक करा ली है। दरअसल इस मां दे पति दी पहलां ही मौत हो चुकी सी अते इस दे वल्लों किसी होर सरकारी कर्मचारी दे नाल दूजा व्याह रचाया गया सी, जिस तो बाद इस पिता ने अपने सौतेले पुत नूं पालिया वड्डा कीता अते हत्थी उसका व्याह करके एक नूं वी घर लिया दी। पर बाद विच पता नहीं अजिहा की होया कि वो अपनी ही नूं दे इश्क विच इस कदर पागल हो गया कि उसने नूं दे नाल ही भज के कोर्ट मैरिज करा ली ते मां ते पुत हुण थाणियां दे चक्कर कट रहे ने। यह मामला फिरोजाबाद का है जिथे एको ही परिवार दे विच नौ दे सोरे दे इश्क कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने हथी व्याह की लियांदी नूं नूं सौरा लैके फरार हो गया। खुलासा उदों होया जदों एक दिन पुत दे वल्लों ही अपनी घरवाली अते अपने पिता नूं इतराज़योग हालातां विच देखिया जांदा है, जिसका विरोध भी किया जाता है, पर दोनों बाज नहीं आते अते फिर घरदिआं तों तंग हो के सौरा ते नूं दोनों ही फरार हो जाते ने ते कोर्ट मैरिज करा लेंदे ने। हुणे मां पुत्तां वल्लों थाने विच शिकायत की गई है ते इंसाफ मंगिया जा रहा है। सर, मेरी बीवी को रख रहा है मेरा बाप, और हम गरीब परिवार से हैं, ना मेरा घर है ना मकान है रहने के लिए। मैंने इनको बाप का दर्जा दिया पर इन्होंने बेटा का दर्जा नहीं दिया हमको। मैं अपने परिवार को इनके पास छोड़ गया था विश्वास पे। इन्होंने मेरी बीवी को बातों में फंस के इन्होंने प्यार का संबंध बना लिया, इनके साथ में कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 महीने से रह रही है इसके साथ में और मैं इसको मायके छोड़ के आया हूँ। मायके से इन्होंने 10 दिन के अंदर में बुला लिया। एक दिन मैंने इनको रूम में देखा था तो मेरी बीवी गई थी चाय देने के लिए मेरे बाप को। मैंने माँ से पूछा था, सुबह उठा मैंने कि मम्मी कहाँ है वो, तो वो तो पापा को कमरे में गई है चाय देने। सब ये हुई है, हमारे लड़का की बहू को हमारे पति रख रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर ली है साहब। अच्छा, आपको पता नहीं था ये सब? नहीं साहब, मुझसे मना करते रहे थे, मुझे नहीं मालूम थी। हम कहते थे तो मेरी मारपीट करते थे। तो आपने इस संबंध में कहीं पुलिस थाने या किसी उच्च अधिकारी से प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, की थी साहब, थाने में मैंने कही थी। तो एसओ साहब ने उसको उसके मायके भिजवाया था और साहब 10 दिन के अंदर इस आदमी ने बिहार से बुलवा ली। देखिए, कल थाना फरिया पे एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के अनुसार उनका ये कहना है कि उनके जो पति हैं उन्होंने जो आवेदिका हैं इनका इनकी शादी पहले हुई थी एक व्यक्ति से, उनका एक पुत्र है, उसकी बहू को इस व्यक्ति ने जो इनके अभी वर्तमान में पति हैं वो लेकर के कहीं चले गए हैं। इस एप्लीकेशन पे अभी जांच की जा रही है। उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया है उसके साथ। तो इन सभी तथ्यों की जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात आ रही है कि वो उसके लड़के की बहू थी तो देखिए, आवेदिका है, आवेदिका की पहले शादी हुई थी जसराना के गड़ीवान मोहल्ले में एक व्यक्ति से, उनसे एक पुत्र था, उस पुत्र की शादी हुई थी और उसके बाद उनकी जो आवेदिका है इनके पति के मृत्यु के बाद से इन्होंने अपनी शादी पुनः जो आरोपी है उनके साथ की थी। और आरोपी और जो उनका लड़का था उसकी बहू के संबंध के बारे में इन्होंने आरोप लगाया है और उसके बाद उसको लेकर के कहीं वो चले गए हैं और वही कोर्ट मैरिज का आरोप लगाया जा रहा है। क्या करते हैं ये? ये बेसिकली PHC है फरिया में, वहां पर चौकीदार का काम करते हैं।